दुनिया वालों ने एक बहुत ही प्यारा संगीत कहा, सुनिएगा लता जी कि तेरी गीत की ओर चलते हैं। अरे ये सिर्फ भाव भाव भरा गीत है, सुनिएगा कहना है। एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कहता है कि ये भाई मित्र चलो हम तुम भी स्नान कराते हैं। तो दूसरा वाला मित्र कहता है सुनो भाई मैं तुम भी स्नान करने नहीं जाऊंगा। पहले वाले भैया ने कहा भैया क्यों? उसने कहा अगर देखा जाए तो कुंभ मेला जो हम दर्शन करने जाते हैं ये हमारे घर में ही है। उसने कहा अच्छा तो चलो हरिद्वार ही घूम आते हैं। उसने कहा मैं हरिद्वार भी नहीं जाऊंगा भैया, क्योंकि अगर देखा जाए तो हरिद्वार भी मेरे घर में ही मौजूद है। अब कंफ्यूज बोला कैसे, और जब पहले वाले की बात सुनी दूसरे वाले ने तो उसका भी जाने का विचार बदल गया। और सुनिएगा कि उसका विचार क्यों बदल गया, उसने कौन सी बात ऐसी कही। और कहना है कि गंगा जल सी मेरी माँ दादी माँ सरयू चल सी मेरी बहना रवि से माँ के क्या बात है बेटा। सरयू जल सी मेरी बहना और रवि से माँ के आंचल। लेकिन कुछ पुरस्कार आए हैं उसको बोल दे उसके पश्चात। और ये सम्मानीय बड़े भैया अखिलेश सिंह और अक्कू भैया आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राए हैं, जवाब कराया है, आपको हृदय से प्रणाम है, आशीर्वाद पाने की कामना है। अरे आदरणीय दादा बुधई आलम नगर जो कि सरीपुरा से आए हुए हैं, आपकी तरफ से ये 51 पत्र मुद्राए
भैया को नमन है, वंदन है, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो दोबारा बोल दीजिएगा। आदरणीय दादा क्या बात है, अरे छत्तीसगढ़ दुर्गा समिति शहादतगंज संत राम भुवनेश्वर भैया जी की तरफ से ये इक्यावन पत्र मुद्राएं हैं। भैया को हृदय से प्रणाम, आशीर्वाद पाने की कामना है। क्या बात है, और ये गुड्डू निगम कटरा शहादतगंज इस तर्ज पर क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राएं आए महामाई के चरणों में। आदरणीय बड़े भैया स्वर सरगम संकीर्तन मंडल कवि जेपी सागर, क्या बात है, हमारे ही गुरुवर हैं, उनके चरणों में नमन है। लेखा उमा शंकर सुमन, मुख्य गायक उमा शंकर चंचल जी, आपको हृदय से प्रणाम, आशीर्वाद पाने की कामना है। महामाई हमेशा आपको तरक्की के शिखर तक पहुंचाए। और ये आदरणीय बड़े भैया संतोष कुमार जो की शहादतगंज से आए हैं, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं हैं महामाई के श्री चरणों में। दादा को हाथ जोड़कर प्रणाम, आशीर्वाद पाने की कामना है। और ये मामा राम बिलास जी की तरफ से पुनः एक बार फिर से महामाई के चरणों में 51 पत्र मुद्राएं इस बिटिया के लिए, और 51 पत्र मुद्राएं हमारे ढोलक मास्टर के लिए आया है। दद्दा को हृदय से नमन है, प्रणाम, एक बार जोरदार ताली बजाएं भैया के लिए। और ये आदरणीय दद्दा अमरीश कुमार उर्फ दीपू भैया, अमरीश कुमार उर्फ दीपू भैया, रमेश चंद्र, पप्पू राजपूत, दिलीप साहू जी और इंडिया कीर्तन विचार मंच से ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य पुरस्कार आया है। 101 पत्र मुद्राएं दद्दा को हृदय से प्रणाम, आशीर्वाद पाने की कामना है। कीर्तन आयोजक आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया जवाहरलाल कनौजिया जो कि करहटा ऐसे बाग से आप आए हैं लखनऊ, क्या बात है, एवं पंडित जी, आपको हृदय से प्रणाम, आशीर्वाद पाने की कामना है। और आइए अब आपके सामने हमारे सम्मानीय बड़े भैया जी आ रहे हैं अपने सक्षम साथियों के साथ। बोली सच्ची दरबार की जो बहुत सारी बिटिया मैंने जो इतना बताया था जवाबी की जो विधा है उसमें जब तक सवाल जवाब कीर्तन चलता रहता है तब तक कोई किसी छोड़ता नहीं ना। और अगर तुमको भाई बुरा लग गया हो तो क्षमा चाहता हूं, क्योंकि छोटी बहन शक्ति स्वरूप आप भी हैं। और अगर ऐसे दद्दा भैया करता रहा किया जाएगा तो काम कैसे बनेगा? हाँ कैसे बनेगा। दूसरा तुमने कहा क्या ठीक कहा कि नया आपने बढ़ा दी, ऐसा नहीं, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मैं यही का निवासी, हमको सब कुछ देखना है, समय भी देखना है। पता चले हम डेढ़ घंटा हम ही गाते रहे तो रात भर में खाली 300 टन हो, और आयोजन में बड़ा मेहनत लगता, पैसे की बात नहीं करूंगा लेकिन बड़ा ही जिम्मेदारी भरा काम होता है। खैर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, चूंकि समय 35 मिनट दिया गया है, वो ध्यान रखूंगा, अगर कहीं से एक आध मिनट 2 मिनट बढ़ जाए तो क्षमा चाहूंगा। और दूसरी बात बेटा तुम सही बताए, बिल्कुल सही बताए, तुमने जो लेखपाल को रखा है ना बताई दे, एकदम दंड है,
वही निवारण। अरे मैं जब निवारण ले आया फोटो ले लो वही सब खींच खाच। अच्छा नवरात्रि में पूजा किसकी होती है बताओ जरा, आपकी खड़ी होना तो बताना। बहुत ज्यादा तर्क तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, कार्यक्रम ऐसा करिए कि लोगों को आनंद। हाँ बिल्कुल, अगर हम तर्क करेंगे तो तुम तर्क करोगे। आपने कहा कि नवरात्र, अच्छा पहली चीज नवरात है कि नवरात्रि है, ये लेखक साहब से पूछना। नवरात है, आप अवधि नहीं गा रही, विशेषता पे आ रहा है, या तो बोलिए मैं अवधि में गा रहा हूँ, भोजपुरी में गा रही हूँ, छिछियाई छे रहुआ जाए चक्की करी मिथिला में गा रही है, इनको स्त्रीलिंग पुरुष लिंग नहीं मालूम। नवरात, नवरात अपने गांव कहा जाता है ठीक है, लेकिन जब आप मंच पे आएंगे, एक साहित्यिक मंच है, शाब्दिक आनंद है, तब आपको नवरात्र लिखनी पड़ेगी। दूसरी बात नवरात्र पूजा का कारण मिल रहा था। अच्छा नवरात्र पूजा में पूजा किसकी होती है जरा पूछिएगा, लेखक महोदय से लिख तो दिया, और उसके बाद वही नवरात्र पूजा का निवारण मिल रहा। अच्छा नवरात्र पूजा का निवारण मिल रहा, वाह भाई वाह, आप जरा समझिए इस बात को, जनता जनार्दन आप सामने समझिए, नवरात्र पूजा का निवारण मिल रहा। निवारण किसका होता है? जब कोई कारण होता है, तुमसे कोई गुनाह सिवा नहीं, तुम छोटी बहन हो, करवा चौथ आऊंगा जरूर, क्योंकि बलरामपुर में छोटी बहन है, तुमसे मिलते हुए जाऊंगा। नवरात्र पूजा का निवारण मिल रहा है, श्रीमान जी फिर मैं ज्वाला रूप में आ रहा हूँ, बिल्कुल तुमसे कुछ नहीं मामला, मामला सिर्फ आपके लेखपाल से है, लेखपाली का पैसा ले रहे हैं, बिल्कुल कम से कम वो शब्द कृपया ना लिखे जो आप समझा ना सकते। निवारण समस्या का होता है जब कोई कारण होता है, नवरात्रि है उसका निवारण मिल रहा है, धन्य प्रभु। अच्छा ये बताओ कहीं राम रहीम के सत्संग में तुम नहीं गए या बौद्धिस्ट में तो नहीं कहते निवारण, बस निवारण निवारण यही सब मिल, तो बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने का आवश्यकता नहीं है। मैंने जो तुमको ये बताया था बहन बहन, ये बताया था छोटी बहन, कि मंच के बाद कार्यक्रम के बाद भाई दद्दा भैया बहन सब निपट लिया जाएगा, भैया हो। अच्छा ये बताओ आप लखनऊ आए हैं, मेरे द्वारा कोई गुस्ताखी की गई हो तो बताओ, हमसे यदि आपने कहीं कोई सहयोग मांगा हो कि भैया ये रास्ता भूल गए जरा बता दीजिए, बिल्कुल नहीं, और हमने ना बताया हो तो बताओ, और उल्टे आप छोटी बहन है, छोटी बहन पुत्री समान होती है, अति छोटी होती है, मैंने ही आपसे पूछा बहन जी क्या हाल चाल है, कहाँ तक पहुँच गई आप, आपने नहीं पूछा दद्दा खाना वाना खाओ बढ़ते हो कि नहीं, चलिए सामने वाले का इसलिए बहुत ज्यादा सच्चाई ये है कि आपका आपके लेखपाल महोदय टीका टिप्पणी करने का आवश्यकता नहीं है, गीत समझी नहीं पाए। चलिए आइए आपका एक गीत आया है बहुत प्यारा सा, कौन सा, बहुत ही सुंदर गाया आपने, बहुत ही सुंदर गाया छोटी बहन आपने, और प्रयास करूंगा कि ज्वाला ना बनो, नीलकंठ नीलेश्वरी रहो, बड़ा दिक्कत है हमारे नाम से, ऐसे एक और छोटी बहन है कह रहे आपको नीलेश कहें कि ज्वाला, अरे मैं कहा नीलेश ना कहो ना भैया, ना नीलेश कहो ना ज्वाला करो भैया कहो, वो कहीं भैया दत्ता बाद में होगा, तभी मैंने कह दिया। चलिए अब एक गाना आपका आया है, बहुत प्यारी तर्ज आपने गाई है फिल्म लैला मजनू से, बहनोई साहब तुम चिंता ना करो, आइए बहुत सुंदर तर्ज आई है। अच्छा अच्छा एक शायरी बोले जवाब नहीं दूंगा तो गड़बड़ा जाएगा, चलिए कदम चलते हैं तो पायल भी छमक जाते हैं, कदम चलते हैं तो पायल भी छमक जाते हैं, और फूल खिलते हैं तो रास्ते भी महक जाते हैं, और तुम अगर हीरा हो, तुम अगर हीरा हो, अगर तुम हीरा हो, तुम अगर हीरा हो तो अंधेरे में मिलो, अच्छा तुम अगर हीरा हो तो अंधेरे में मिलो,
वरना उजालों में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। मनोरंजन बना रहना चाहिए, कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए रोचकता कम ना हो। और क्या, आइए चलते हैं आपके गीत की तरफ। सुंदर, अच्छा हाँ सॉरी हाँ कटी हाँ छोटी क्षमा कीजिएगा। हाँ एक कटी साथ आया, क्षमा कीजिएगा, हमको नहीं मालूम था कि कटी का दौर भी चालू हो गया। और क्या छोटी हमारे रचनाकार महोदय ने याद दिला, देखिए रचनाकार ऐसा होना चाहिए जो गलती को तुरंत सुधार दे। चलिए आइए, आपने एक बहुत ही प्यारी एल्बम की धुन गाई है, अब आपने नहीं धुन गाई तो मैं भी नहीं गाऊंगा ना, क्योंकि समाज अगर आपने सम्मान किया है तो नहीं गाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि गाया भी जा सकता है। क्यों भाई, कि तेरी तू सहद सहद में धड़के, तेरा दिल धड़काए पायल, ओ मन पल 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 याद तेरी गंगा जल सी मेरी माँ, ओ, 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 ओ जमुना जल सी दादी माँ, सरयू जल सी है बहना और रवि सस माँ के आंचल। ऐसा कुछ आपने रिश्तों का बंधन दिखाया है, तो आइए अपनी तरफ से भी प्रयास है। श्री गणेश भगवान ने सिद्ध किया है, श्री गणेश जी ने सिद्ध किया है कि माँ तो पिता से बड़ा कोई नहीं। आइए प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ बच जाए, प्रयास कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, आपने कहा मेरी बात मेरे जवाब में, आपका जवाब मेरे समझ में नहीं आया। सच्चाई ये है, अगर मैं कहूँ तो आपको गीत भी नहीं समझ पाया, सब कुछ तो मैंने कहा दिया था उसमें, आप गाएंगे समझदारी गैप थी। अब साकामरी दिखा रही, अरे जब पूरा सरस्वती रख दिया हमने तो फिर बातें खत्म हो गई, अरे कुछ बगल से गा करके निकल जाती, हम टीका टिप्पणी करने का आवश्यकता नहीं बनते हैं। आइए भैया आराम से गाओ, सबका नाम लिख पा। दुर्गा लक्ष्मी मेरी माँ साकम्भरी वैष्णो, दुर्गा लक्ष्मी मेरी माँ साकम्भरी वैष्णो दादी माँ, दुर्गा
कह रहे हैं, सुन लीजिए फिर से। दुर्गा लक्ष्मी मेरी माँ, शाकंभरी वैष्णो दाती माँ, दुर्गा लक्ष्मी मेरी माँ, शाकंभरी वैष्णो दाती माँ, चारों यथोचित प्रयास, क्योंकि प्रयास ही आदमी यथोचित कर सकता।